So not a dust of his lotus feet will not and with jaya Girija Brahma Lok Vedi Parabhyom Pai and from a jaya Tadupari Lok Vrindavan Sri Krishna Kalp Vrikshe Goraya from them the way is so so Shuga is very simple easy gradually they will go then begin from Ruchi and Ruchi up to Ruchi so many anarth aparadha is totally gone only there are some anarths and after that when he will reach in the stage of asakti then more anarth will go and when he will reach in sadhak reaches in the stage of rati that is how money is made of anarth maybe or if he is not careful from there also he may come that is why Jai Vijay Vritrasur Chitraketu Maharaj they were all liberated souls they are no link with any aparat or anything only Krishna arranged to show general sharpness actually they have not done any offense but only to show and to make careful us that we should not do even a person who is going to be liberated at this stage of bhav and he is criticizing all the Vaishnava if he is criticizing Shiksha Guru then he is also criticizing the Gurudev if he is criticizing Vaishnava even he is then criticizing his Gurudev because Gurudev is not a personal person Gurudev includes all the Vaishnava Shikha Gita and it goes to what Moon root ke jo Guru hai Akhand 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 Gurudev to Nityananda Prabhu and Bande it touches and then it touches to Krishna also so हम लोग इसके लिए बहुत ही सावधान रहे किसी प्रकार से वैष्णव अपराध न हो जाए नहीं तो गुरु को भी पहुंचेगा और फिर गुरु से भगवान को पहुंच करके हमारी भक्ति लता को एकदम उखाड़ करके फेंक देगा इसलिए स्वप्न में भी नहीं हंसी ठट्ठा में भी विद्रूप में भी नहीं करना चाहिए ताकि माली जत्न करी करे आवरण अपराध हस्त जैसे ना हो ये साधारण लोगों के लिए कहा गया ये अपराध भी ना हो उन लोगों के लिए तो अपराध ही नहीं है रागानुगा के लिए वो तो बहुत ऊपर उठ चुके हैं किंतु यदि लता समय उठे ऊपर शाखा मुक्ति मुक्ति वांछा जत असंखता तो गोस्वामी चलेंगे चैतन्य महाप्रभु चलेंगे तो गोस्वामी परम पूज्य पात्र विक्रम महाराज के वर्ष वेरी गुड थिंग महाजनो जीने का पक्ष पंथा एंड सेकंड में ही टोल आने की ये बोलते हैं जब जब आकर विशेषतः तब तक जो करो जनाब सर जब प्रणाम गुरु थे लोगों को दिस ट्राई टू फॉलो इट वेरी केयरफुली पंथ में जब 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 आचरण की शिष्ट वी आर सीइंग हियर देयर टू काइंड्स ऑफ श्रेष्ट हियर हु आर चेतन महाप्रभु टॉपमोस्ट इन हिज लाइक साध्य
Supreme Personality of God. And secondly, if we think Rupa Goswami like a sadhak, then he is also topmost in sadhak. So we should try to follow these things. Also, Mahajanu Jira Gata Sapanta, Chaitanya Mahaprabhu, a topmost, but Mahajan. And his associates like Ruth, to him he is giving siksha, he topmost. So we should try, if you are fortunate so, then you can touch them and touch their ideas, siksha. I think that you are also fortunate. You have come ताते माली यत्न करी करे आवरण अपराध हस्तिर जैचे नाहरे उद्गम। इसको गुरुदेव ने बहुत संक्षेप में किंतु बहुत ही अधिक स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से उसका हम विवेचन किया, उसी के अंतर्गत ही बतलाया कि हम लोगों को देह धर्म मनोधर्म से ऊपर उठ करके जो आत्मधर्म के शिक्षक जिस दृष्टिकोण को प्रदान कर रहे हैं उसी दृष्टिकोण को ग्रहण करना है, उसी दृष्टिकोण को ग्रहण करना, उसी के साथ में ही अभी गुरुदेव ने यद्यपि नया प्यार पड़ा यदि लता संगे उठे उप शाखा इस प्यार को पढ़ना प्रारंभ किया किंतु फिर से गुरुदेव उसी बात पे आ गए कि अभी हमने श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज से श्रवण किया यद्यद आचरति श्रेष्ठा इस श्लोक को और दूसरा उन्होंने बतलाया महाजना जनो गता सपन्था कि शास्त्र के जो ये वचन किस प्रकार के हैं
जो पहले वाला है महाजना जेनो गता सपन था, ये महाभारत के अंतर्गत ये वचन प्रकटित होते हैं श्री भीष्म पितामह जी के मुख से, जिसमें वो बतला रहे हैं कि धर्म का मार्ग जो है वो बहुत निगूढ़ है। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहाया, धर्म की बात समझना, क्या धर्म है और क्या अधर्म है इसको समझना बहुत एक गंभीर बात है युधिष्ठिर महाराज जी के लिए। सत्य धर्म था, भगवान के वचन को कम गुरुत्व उन्होंने प्रदान किया और वहीं पर ही क्या हो गई, भूल हो गई। भगवान के मुख की निकली हुई वाणी वही धर्म होता है, वही परम सत्य होता है, ये वो नहीं ग्रहण कर पाए। इसीलिए भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर महाराज जी को तो उपदेश प्रदान किया और दूसरी ओर अर्जुन के निकट प्रार्थना की। जैसा भी हो तो वहां पर बताया धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, धर्म का तत्व जो है बहुत निगूढ़ है। फिर बतलाया उसमें कि कोई ऐसा ऋषि नहीं है जिसका मत भिन्न ना हो। प्रारंभ कहाँ से है, तत्व तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्न पहले बता रहे हैं। तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क जो है उसको कोई भी व्यक्ति अप्राकृत वस्तु को तर्क के आधार पर स्थापित नहीं कर सकता, धर्म को भी तर्क के आधार पर स्थापित नहीं किया जा सकता। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्न, श्रुतियां बहुत हैं ना, ऋषि यस्य मतम न भिन्नम, ऐसा कोई ऋषि नहीं मिलेगा जिसका मत भिन्न ना हो। तब फिर करना क्या पड़ेगा, फिर बोल रहे हैं धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनाजेनो गता सपन्था, धर्म का तत्व बहुत निगूढ़ है इसलिए महाजनाजेनो गता सपन्था। मार्ग क्या है, सत मार्ग, शुद्ध भक्ति मार्ग, भगवान के निकट पहुंचाने वाला, उनसे वास्तविक रूप में संपर्क युक्त कराने वाला जो मार्ग है वो क्या है, जिसको जिस पर पहले महाजन चल करके गए हैं। महाजनाजेनो गता सपन्था, जिस मार्ग के ऊपर महाजन गण चल करके गए हैं वही मार्ग क्या है, चलने योग्य है, वही निर्मल है, वही सुगम है, कष्ट उसमें नहीं है, उसी मार्ग पर चलना चाहिए। महाजनाजेनो गता सपन्था, महाजन कौन है इसके विषय में दो श्लोक आते हैं जिसमें वर्णन किया कि महाजन कौन है। भीष्म पितामह, नारद ऋषि, फिर
बलि महाराज, यमराज और कुमार कपिलो मनु, स्वयंभु नारद शंभु, कपिलो कुमार कपिलो मनु, प्रहलाद भीष्म जनको, बलि वैयासकी वयम। अपना भी कह रहे हैं, कौन है आप जो कह रहे हैं? यमराज जी ये बता रहे हैं, ये हैं महाजन, जिस मार्ग पर ये चले हैं, अर्थात उन्होंने जो मार्ग का स्वयं अवलंबन किया और जो उन्होंने उपदेश प्रदान किया है, शुभदेव गोस्वामी वैयासकी और कुमार, मतलब चार कुमार, शंभु वैष्णवानाम यथा शंभु, कपिलो, कौन से कपिल? कपिल देव होते संवाद जो होता है। इस प्रकार जिन जिन का नाम उन्होंने बतलाया, उन्होंने कहा ये हैं महाजन, जिस मार्ग को इन्होंने अवलंबन किया है, इन्हीं के पथ को, शुभदेव गोस्वामी के पथ को, उनके मत को किसने लिया है? संपूर्ण रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसका अनुमोदन किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरो नापरा। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि, इन्होंने ये कौन है? महाजन। महाजना जेनो गता सपंथा, इन्होंने जिस जो पथ है उसका अवलंबन किया है, जिस पथ को इन्होंने परिष्कार किया है, जिस पथ का इन्होंने आविष्कार किया है, वही पथ क्या है? चलने योग्य है, सुगम है। दूसरा जो श्लोक उठाया श्रीमद् भगवद गीता का, कृष्ण जिसमें कह रहे हैं यद्यद् आचरति श्रेष्ठा तत्तद् देवेत्तरो जना सा यत्र प्रमाणं कुरुते लोकास्तत् अनुवर्तते। यद्यद् आचरति श्रेष्ठा, श्रेष्ठ व्यक्ति जिस जिस वस्तु का आचरण करता है, यद्यद् आचरति श्रेष्ठा, जिसका वो आचरण करता है, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वही श्रेष्ठ को देख करके उसके आचरण को अपने जीवन में पालन करते हैं। सभी नहीं कर पाते तब भी। यद्यद् आचरति श्रेष्ठा तत्तद् देवेत्तरो जना, उनके आचरण को देख करके सौभाग्यवान जीव आकर्षित होकर के वो भी उस वस्तु का अपने जीवन में पालन करते हैं, अर्थात उनके द्वारा जिस भावना के साथ में, श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा जिस भावना के साथ में अनुशीलन होता है, आचरण होता है, उसके सार को समझ करके, नकल उतारते हुए नहीं, उसके सार को समझ करके जो व्यक्ति अपने जीवन में पालन करता है, यद्यद् आचरति श्रेष्ठा तत्तद् देवेत्तरो जना सा यत् प्रमाणम कुरुते, श्रेष्ठ व्यक्ति जिस वस्तु को प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है,
अथवा अपने आचरण के द्वारा जिसको प्रमाणित करता है। लोकास्तत अनुवर्तते। सौभाग्यवान जीव, मंगलाकांक्षी जीव उस मार्ग पर चलते हैं। तो इस दो श्लोकों के द्वारा जो कि श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज ने उठाए थे, उसी का श्री गुरुदेव ने उच्चारण किया और उसी को गुरुत्व देते हुए क्या कह रहे हैं कि इस स्थान पर इन दो श्लोकों के द्वारा हम लोग जिस उपाख्यान को पाठ कर रहे हैं, श्री रूप शिक्षा, इसके अंतर्गत कितने पात्र हैं? दो। एक हैं वक्ता श्री चैतन्य महाप्रभु और दूसरे कौन हैं? श्रोता श्रील रूप गोस्वामी पाद। ये दोनों ही कौन हैं? उसके लिए गुरुदेव कह रहे हैं कि भक्त के रूप में अवतरित होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु और दूसरा एक साधक की, शुद्ध साधक की भूमिका को प्रदर्शित करने वाले श्रील रूप गोस्वामी पाद, ये दोनों कौन हैं? श्रेष्ठ साधक, श्रेष्ठ हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठा, श्रेष्ठ हैं। और दूसरा ये महाजन हैं, इन्होंने शुद्ध भक्ति के जो उपदेशक, जो महाजनगण, उनके पथ का ही संपूर्ण रूप में अनुसरण अनुमोदन किया है, इसलिए श्रेष्ठ भी हैं महाजन भी हैं। तब गुरुदेव कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बहुत सौभाग्यवान होगा, फॉर्चुनेट, वो क्या करेगा? ये दोनों जिस प्रकार का वार्तालाप महाप्रभु उनको जो श्रवण करा रहे हैं, उस वार्तालाप के जो गंभीर उसके जो गंभीर भावार्थ हैं, उसके निहित अर्थ हैं, जो उनको वो ग्रहण कर पाएगा, टच कर पाएगा, स्पर्श कर पाएगा कि महाप्रभु किस वस्तु को वास्तविक रूप में लक्ष्य करके शिक्षा के माध्यम से क्या इंगित कर रहे हैं। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता वाला जो इतना अधिक गुरुत्व प्रदान किया, वो महाप्रभु के जो भाव, जो वचन, जिस भावना के साथ, जिस गुरुत्व के साथ वो वर्णन कर रहे हैं वस्तु को, उसको जो सौभाग्यवान जीव होगा वो स्पर्श कर पाएगा। उससे पहले श्रील गुरुदेव ने कहा था कि जो रागानुग जन है, जिनका वास्तविक लोभ जागृत हो चुका है, वो तो कभी भी इस प्रकार की क्रिया, वैष्णव अपराध रूप जैसी क्रिया, इसमें कभी भी लिप्त होते ही नहीं, थोड़ा सा भी नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। इसलिए ये वचन जो है किसके लिए हैं? दूसरे प्रकार के साधकों के लिए, ये सिद्ध पुरुष के लिए जो बहुत अग्रसर हो गए हैं, रागनों के मार्ग पर जो प्रविष्ट हो गए हैं, उनके लिए नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इन समस्त वस्तुओं में उलझा रहता है, निंदा चर्चा इत्यादि में ही सदैव घिरा रहता है, इसका अर्थ है कि उसका अभी वास्तविक रूप में रागनों का जो विचारधारा, उसके साथ में भली प्रकार से अभी स्पर्श, प्रवेश इत्यादि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, इसलिए वो इस प्रकार की वस्तु में लिप्त रह सकता है। अभी
गुरुदेव इससे आगे वर्णन करेंगे, यदि लता संगे उठे ओप शाखा। तो इसलिए महाजनों का जो श्रेष्ठ व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है, जो वो सिखला रहे हैं उसको ग्रहण कर पाना, ग्रास्प करना, यही क्या है, सौभाग्य की बात है। उनकी एंगल ऑफ विजन को लेना है, अपने वाला एंगल ऑफ विजन मनोधर्म वाला या फिर देह धर्म वाला जो है छोड़ना है। एक छोटा सा बालक हो, उसका देह धर्म मन धर्म क्या कहता है, उसके लिए जो सुविधाजनक वही अच्छा, जो उसके मन के अनुरूप कार्य कर दे केवल वो उसी को ही अच्छा मान पाता है। इसी प्रकार से यदि वैष्णव जगत में भी हमने किया, मेरे मन के अनुसार जो वैष्णव चल पाता है वो तो वैष्णव, दूसरे मेरे निंदा के पात्र। जो मेरे मन का रंजन मनोरंजन कर पाता है, जो मेरे विचारधारा को वो नतमस्तक होकर के सदैव पालन करता रहता है, श्रेष्ठ से भी मैं वही आशा रखता हूँ कि मेरे मन के अनुरूप सारे कार्य आदेश निर्देश इत्यादि करें। जब तक मुझे वो मिलता रहे तब तक वो वैष्णव। यदि उन्होंने मेरे साथ में कुछ टोका टाकी या कुछ और करना प्रारंभ किया तब फिर मैं उनको स्वीकार नहीं करूँगा, ये क्या हो जाता है, केवल मनोधर्म। आत्मधर्म के अंतर्गत नहीं हम लोग आ पाते। तो इस किंतु गुरुदेव ने स्पष्ट निर्देश प्रदान किया कि जो गुरु वर्गों का दृष्टिकोण है उसी को ग्रहण करने से ही हमारा मंगल होगा, उसी को ग्रहण करने से हमारा मंगल होगा। कोई एक बंगला की कहावत है, कहावत तो अभी स्मरण आती नहीं किंतु उसमें दो बातें आती हैं। एक व्यक्ति वो क्या मन में इच्छा करता है, वो मन में इच्छा करता है कि जो वो तो है श्रेष्ठ ब्राह्मण, और वो इच्छा करता है कि उसके जो यजमान हैं, यजमान जो भी उसको कहते हैं, उनके घर में अधिक से अधिक क्या होता रहे, उनकी वंश वृद्धि हो, संसार उनका बड़ा होता जाए। किस लिए, उससे मेरा भी बहुत अधिक लाभ होगा। किसी का जन्म होगा, किसी का मृत्यु होगा, किसी का वर्षगांठ होएगा, किसी का जन्म उत्सव होएगा, तो इससे सब समय मेरा जो खाना पीना वस्त्र प्राप्त करना और पैसा प्राप्त करना, ये सब बड़े आसानी से चलता रहेगा। उसमें और एक आगे आता है, एक कुत्ता वो मन में सोचता है कि इनका जितना वंश विस्तार हो उतना अच्छा, क्यों, ये जितना खाएंगे पिएंगे वंश विस्तार होता जाएगा, मेरे को भी उतने अधिक टुकड़े रोटी के खाने के लिए मिलते रहेंगे। उसका जो विचार वो सेल्फ सेंटर्ड, इसका नाम मनोधर्म, दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, वो दुखी होगा सुखी होगा, उसको निवृत्ति मार्ग पे जाना चाहिए प्रवृत्ति मार्ग पे जाना चाहिए, कोई विचार नहीं, अपना मनोधर्म। इसी प्रकार से बिल्ली वो क्या सोचती है कि जो ये लोग हैं इतना बड़ा वंश विस्तार करके, ये अपना इतना बड़ा घर ये वो बना करके रहते हैं, ये सारे मर जाएं तो अच्छा, मर जाएं और यहाँ पर एक तालाब अपने आप बन जाए, इनका घर भू
भूकंप आने से गिर जाए, ये सारे भी मर जाएं, और भूकंप आकर के इस जगह को पूरा खाली कर दे, उल्टा गड्ढे बना दे बड़े बड़े, पानी भर जाएगा, थोड़े समय बाद उसमें बड़ी सारी मछलियाँ आ जाएंगी और मैं आराम से अपना मछलियाँ खाया करूँ। तो उसका अपना क्या विचार है मन का, इनका अमंगल हो, ये सारे मर जाएं, मेरा काम जो है वो बन जाए, मेरे को मछली खाने के लिए मिल जाए। तो जहाँ पर इस प्रकार की भोग वृत्ति को रख करके किसी भी वस्तु का इच्छा कामना इत्यादि उत्पन्न होता है, इसको क्या कहते हैं, मनोधर्म, देह धर्म, जिसमें अपनी देह की मेरी जो डिमांड्स वो पूरी हों, मेरे मन की जो डिमांड्स हैं वो पूरी हों। तब तक जब तक हम ये देह धर्मी या मनोधर्मी बने रहते हैं, तब तक हम कभी भी गुरु सेवा, भगवत सेवा इत्यादि नहीं कर सकते। हम उनके द्वारा भी क्या चाहते हैं, हमारे मन की जो डिमांड्स हैं वो उसको उसके सप्लायर बन करके रहें, उसको पूरा करते रहें। इसको गुरुकरण, इसी को वैष्णव बनना नहीं कहते। वैष्णव जहाँ पर वो अपने देह धर्म मनोधर्म से ऊपर उठ करके आत्मधर्म की शिक्षा देने वाले जो गुरुपाद पद्म, उनके हृदयगत विचारों को लेकर के उसको पालन करने का जब एक व्यक्ति इच्छा करता है, समझने का प्रयास करता है, पालन करता है, तब उसका क्या होता है, आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होना होता है। अन्यथा केवल आत्मवंचना और कुछ होता नहीं। तो इसीलिए जो बहुत सौभाग्यवान व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, वो श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा, महाजन के द्वारा दिया गया जो मार्ग उपदेश, उसके सार को समझ करके उसका अपने जीवन में पालन करते हैं। तो इसीलिए जो पहले गुरुदेव ने सारा हम लोगों को श्रवण कराया, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उसमें हम लोगों को क्या शिक्षा दे दी कि महाजन लोगों का जो दृष्टिकोण, श्रेष्ठ व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है वो क्या है, वो हम लोगों को सावधान कर रहे हैं कि देखो भाई, बहुत ऊंचे पहुंचने पर भी यदि तुम इस कार्य से अपने आप को निवृत्त नहीं करोगे, तब फिर जो भक्ति लता तुम्हारी है, सेवा करने की जो प्रवृत्ति जन्म ले गई है, जो बहुत मूल्यवान वस्तु जो तुम्हें प्राप्त हो गई है, वो अपॉर्चुनिटी, वो वस्तु पुनः तुम्हारे से दूर भी हो सकती है। इसके लिए सावधान कर रहे हैं महाजन व्यक्ति, और कह रहे हैं इस कार्य में प्रवृत्त ही होना नहीं। किस रूप में, क्रिटिसिज्म के रूप में, अंततः क्रिटिक फिर भी तुम्हारे लिए जहां पर आवश्यक वहां पर अलाओ, किंतु उसी का क्या लेकर के, उसी का जो उसी की आड़ में पुनः अपने केवल जो मन की विचारधारा उसके बीच में फिर नहीं फंस जाना, उसकी आड़ में भी से केवल क्रिटिक करना, ईर्ष्या द्वेष मूलक जो किसी का निंदा चर्चा इत्यादि करना नहीं, किसी के द्वारा गर्हित कार्य करने पर भी, व्यभिचार करने पर भी तुम क्या करना, उस विषय में प्रवृत्त होना नहीं। गुरु, गुरुवर्ग, गुरुदेव ने ये दोनों शब्द कहे थे, वो उनको देखेंगे, उनको सुधारेंगे, मेरा उसके लिए सामर्थ्य नहीं है, इसे मुझे उस वस्तु के बीच में प्रविष्ट नहीं होना। इस प्रकार का
आचरण लेने के लिए कहा, तब इसे आगे श्रवण करें। किंतु यदि लता समय उठे उपशाखा मुक्ति मुक्ति वांछा जत असंख्य रूप गोस्वामी टेलिंग हियर चैतन्य महाप्रभु टेलिंग टू रूप गोस्वामी परम पूज्य पात्र विक्रम महाराज टोल्ड अस वेरी गुड थिंग महाजनो जीन गतस पंथा एंड सेकंड थिंग ही टोल्ड आचरति श्रेष्ठ वी आर सीन हियर दैट टू काइंड्स ऑफ श्रेष्ठ हियर हुआ चैतन्य महाप्रभु टॉपमोस्ट इन हिज लाइक साध्य सुप्रीम पर्सनालिटी एंड सेकेंडली इफ यू थिंक रूप गोस्वामी लाइक ए साधक देन ही इज ऑल्सो टॉपमोस्ट इन साधक सो वी शुड ट्राई टू फॉलो दिस थिंग ऑल्सो महाजनों जीन गता सपन था चैतन्य महाप्रभु ए टॉपमोस्ट महाजन एंड हिज एसोसिएट्स लाइक रूप टू हिम ही इज गिविंग शिक्षा ही टॉप मोस्ट सो वी शुड ट्राई इफ यू आर फॉर्चुनेट सो देन यू कैन टच देम एंड टच देयर आइडियाज शिक्षा आई थिंक दैट यू आर ऑल्सो फॉर्चुनेट You have come from so many countries, spending so much money. If you wanted there to test material things, you have tested so much material things there. आप लोग वहीं पर भोग कर सकते थे तो फिर भोग करने के लिए इंडिया में आएंगे You will come to test some material things. So I think like so. There's some ideas that we will go to India and see the this past places of past and some Krishna very powerful. And we will hear some katha. Let's not come to test anything. But it may be that according to our impressions, because we are in this first lakhs and lakh bus, we may test something, but I know that you are not. So you are so fortunate. For you, because we are in this first lakhs and lakhs bus, we may test something, but I know that you have not. So you are so fortunate. Why you could not come in Sri Sampradaya, Ramanu Sampradaya, or Vaipadi Sampradaya? Why you could not other Sampradaya? So I think that you are fortunate. And you can also understand some these teachings. So you should try to understand all these teachings. I think that Sri Chaitanya Mahaprabhu has attracted you. So you are also so fortunate. कर रहे हैं जो लोग सामने कथा श्रवण कर रहे हैं पहले तो गुरुदेव ने बताया
जब महाप्रभु के विषय में बतलाया तो किस प्रकार की भावना से बोल रहे हैं, एकदम से बड़े अधिक उत्साहित होकर के, प्रसन्न होकर के और फुल टॉप मोस्ट कॉन्फिडेंस के साथ में कि श्री चैतन्य महाप्रभु वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ महाजन श्रेष्ठ। और फिर दूसरी तरफ श्री रूप गोस्वामी पाद इस प्रकार से बतलाया कि किस प्रकार से उनकी जो शिक्षा, इसको हम यदि स्पर्श कर पाए तो फॉर्चुनेट होगा बहुत। वो क्या करेगा, इस शिक्षा को स्पर्श कर पाएगा, इस शिक्षा के गूढ़ अर्थों को समझ करके अपने जीवन में पालन कर पाएगा, जो सौभाग्यवान होगा। फिर गुरुदेव ने कहना प्रारंभ किया कि यू आर फॉर्चुनेट, जो कथा श्रवण करने के लिए बैठे हुए विभिन्न स्थानों से, विभिन्न देशों से आए हुए भक्त लोग श्रील गुरुदेव के समक्ष बैठे हैं और इस सब कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि आप लोग भी बड़े सौभाग्यवान हैं, आप लोग यू हैव कम फ्रॉम सो मैनी कंट्रीज, आप बहुत सारे देशों से आए हैं, वहाँ से वहाँ पर अपने अपने स्थानों पर घरों में सबके पास में बहुत सुविधाएं थी, किंतु उन सुविधाओं को भी छोड़ करके आप लोग धाम में आए हैं, भारत में आए हैं, वृंदावन में आए हैं, धाम में कथा श्रवण करने के लिए, साधु संग करने के लिए और लीला स्थलियों का दर्शन करने के लिए। यहाँ पर आप किसी जागतिक लाभ की आशा से आए नहीं, किस लिए आए हैं, इसी शुद्ध वस्तु को समझने, अनुभव करने के लिए, ताकि पालन कर पाए। इसलिए आप लोग भी बड़े सौभाग्यवान हैं जो उस वस्तु को स्पर्श करने का जो लोभ जागृत हुआ है, उसी के कारण यहाँ पर आए हैं। इस प्रकार से बताया। और फिर गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर आकर के भी, अर्थात ये हृदय में इच्छा आना और साधु संग करना, कथा कीर्तन इत्यादि श्रवण करके महाप्रभु के विचारों को समझने की जो अभिलाषा, ये बड़े सौभाग्य की बात है। इतना बड़ा सौभाग्य उत्पन्न हुआ और आपको वो अपॉर्चुनिटी भी मिल गई। आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलने पर आप उसका लाभ भी उठा पा रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। फिर बीच में थोड़ा सा स्पर्श कर रहे हैं, किंतु हमारे पूर्व पूर्व जन्मों के जन्म जन्मांतर बहुत सारे और भी जो मैटेरियल एन्जॉयमेंट के जो संस्कार हैं, वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पर भी आकर के क्या करते हैं, साथ साथ में दिखलाई पड़ते हैं कि उस तरफ भी थोड़े से हम लगते हैं, लग पड़ते हैं। किंतु फिर उसी में ही कह रहे हैं कि यद्यपि वो भी दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा, किंतु अगर हम उससे निकल करके पूरी तरह से महाजनों का पथ, श्रेष्ठ व्यक्ति का पथ अवलंबन कर पाएं, तो वास्तविक रूप में बहुत सौभाग्यवान होंगे। इस प्रकार की भावना के साथ में बोल रहे हैं। इसी के अंतर्गत ही यू आर फॉर्चुनेट कहने का अर्थ क्या है कि इतना सौभाग्य जब मिल गया है, तो अब फिर थोड़ी थोड़ी और जो चीज़ें हैं उससे निकल करके वास्तविक रूप में सौभाग्यवान बनना, इस प्रकार का निर्देश दे रहे हैं, इस प्रकार की आशा रख रहे हैं, आशा पुष्ट कर रहे हैं। श्रील महाराज जी नवद्वीप धाम की परिक्रमा के समय में
भक्तों को समझाते हुए कहते थे कि आप लोग यहाँ पर आए हैं धाम में साधु संग करने के लिए, भक्ति में अग्रसर होने के लिए, यहाँ पर साइट सीन देखने के लिए नहीं आए हैं आप। अगर आपको साइट सीन ही देखने होते तब फिर आप इससे भी बहुत अच्छे अच्छे सुंदर स्थान हैं जहाँ पर आपको आप जा सकते हैं। यहाँ पर आप अपना समय नष्ट करने नहीं आए हैं, आपने पैसा खर्च किया है, अपना समय निकाला है, आप धाम में आए हैं और यहाँ पर क्या करना चाहिए? व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए और अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी आँखों को, अपनी इंद्रियों को व्यर्थ की वस्तुओं में नहीं लगाना। कथा कीर्तन इत्यादि श्रवण करते हुए उसी में ही उसी का पूर्ण लाभ उठाते हुए यहाँ पर वास करना, परिक्रमा करना, तभी वास्तविक सौभाग्य होगा। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर साइट सीन देखने में, इधर उधर की बातें करने में, केवल मात्र कुछ अच्छा खाने के लिए, अच्छा रहने के लिए, सुविधा लेने के लिए नहीं आए होंगे। फिर उसी में कथा सुनाते थे कि एक बार हमारी परिक्रमा ब्रज मंडल में चलते चलते एक दिन देरी हो गई, मार्ग बहुत लंबा था। पहुंचे हम लोग गोविंद कुंड पर, वहां पर समय बहुत हो गया इसलिए वहां की महिमा सुनाई नहीं सुनाई। गुरु महाराज जी का नाम लेते हुए कहते थे, उन्होंने यात्रियों से पूछा कि देरी हो गई है बहुत, और ये भी समझता हूँ सभी थक गए होंगे, भूख भी लगी होगी, अगर आप लोग कहें तो आज कथा नहीं करें और कल हम लोग कथा कर लें, अभी सभी लोग प्रसाद पा लो, आराम कर लो। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया सबने एक साथ मिल करके कि महाराज प्रसाद तो हम अपने घर पर सब समय पाते हैं, विश्राम तो हम अपने घर पर सब समय करते हैं, यहाँ पर आए हैं हम हरि कथा श्रवण करने के लिए, इसलिए आप कृपा करके वही श्रवण करा दो। तो उद्देश्य जो है लेकर के एक व्यक्ति जब चलता है कोई, तब उसका भावना बिल्कुल अलग होता है। तो इसलिए गुरुदेव इन रियलिटी हम लोगों को समझाना क्या चाह रहे हैं कि सौभाग्यवान बहुत हो कि श्रीमन महाप्रभु की कृपा से उनकी विचारधारा के संपर्क में आ चुके हो, उनके जो अनुगत जन हैं उनके साथ में संपर्क हो गया है, बहुत विशुद्ध भक्ति मार्ग की ये धारा है। इतना अधिक सुयोग प्राप्त करके भी यदि अपने वास्तविक मंगल की ओर अग्रसर नहीं हुए और जो प्राचीन संस्कार थोड़े बहुत हैं उसी में ही बह गए तो अपनी बहुत बड़ी हानि उठा बैठोगे। जैसे श्लोक में बताया एक भागवत के, साचा आत्मा निदेया माध्यम सुलभम सुदुर्लभम लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूलेना नभस नभस्व तेगतम कुमान भवाब्दिम नातरेत सा आत्मा। बहुत अधिक सुविधा जिसको मिल गई, निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, मनुष्य देह प्राप्त हो गई जो कैसी है, सुदुर्लभ है, सुदुर्लभ होने पर भी तुम्हारे लिए सुगम हो गई, मनुष्य देह तुम्हारे को प्राप्त हो गई। निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम, और इस भव सागर में तुम्हारे को एक बहुत अच्छा जो कैप्टन वो यदि मिल गया, और वो क्या करेगा कैप्टन, अपने आप से तुम्हारी जो इस भव सागर में
हाबू डोबो ऊपर नीचे करने वाली जो नौका उसके नाविक कैप्टन बनकर के बहुत भली प्रकार से ठीक दिशा की ओर लेकर के जाएंगे, वो भी तुम्हारा सुयोग हो गया। उस पर और एक सुयोग क्या मिल गया आगे, मयानुकूलेना, मनुष्य जन्म, उस पर फिर तुम्हारे को गुरुपाद पद्मों का आश्रय, जिसको ये मिल गया मैं उसके लिए क्या करता हूँ, नौका जिस दिशा में आगे बढ़ेगी उसी ओर मैं अपने कृपा रूपी वायु को प्रवाहित कर देता हूँ, जिससे कि नौका बहुत शीघ्र और सहज रूप में वो भव सागर को पार कर जाए। ये सब अपॉर्चुनिटी मिलने पर भी यदि कोई व्यक्ति अपने आत्ममंगल से स्वतः ही वंचित होता है, अर्थात गुरु का, मेरी कृपा रूपी वायु का और अपने मनुष्य जन्म का कोई लाभ नहीं उठाता और उसको व्यर्थ के कार्यों में ही लगा देता है, अपने मुख्य लक्ष्य की ओर नहीं अग्रसर होता, उस नौका से अपनी आप ही नीचे कूद पड़ता है, तब फिर ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, आत्मा, अपने आप का ही किलर, मारने वाला। और एक बात महाराज जी बोलते थे कथा सुना करके कि शिला भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी के मठ में एक माता बहुत वर्षों तक नित्य प्रति आती थी। एक दिन उसके पोते ने, छोटा पोता है, चौथी पांचवी क्लास में पढ़ता था, उसने जिद किया मैं भी मठ में जाऊंगा, उसको लेकर के आ गई। दशमी का दिन था, शिला संत गोस्वामी महाराज जी ने एकादशी की कथा सुनाई, सबको अगले दिन का बतलाया कि कल एकादशी है, अन्न ग्रहण करना नहीं, परसों पारण इस समय पर करना, एकादशी का क्या लाभ होता है, जो सब श्रवण कराए। बच्चा अब घर में आ गया, अगले दिन प्रातः काल एकादशी, विद्यालय में जाएगा, अपनी माता को उसने अब बोल दिया, माता जी आज टिफिन लेकर के नहीं जाऊंगा, आज मेरे को आप क्या करो, हाथ में कुछ खर्ची दे दो, पैसे दे दो, मैं क्या करूंगा, अपनी आप से केला एप्पल इत्यादि खरीद करके खा लूंगा। तो कहती क्यों, आज क्या हुआ, आज एकादशी, कल बड़े महाराज जी ने मठ में बतलाया था। तो उसकी बच्चे की माँ ने सुन करके साथ साथ अपनी सास को बुलाया, माता जी सुनो ये बच्चा क्या कह रहा है। तो उसने, माता आ गई, दादी उसकी, और पूछा बच्चे से क्या कह रहा है, उसने एकादशी की बात बोली तो कहती है पागल, तू मठ की बात को घर में ले आया, मैं नित्य प्रति मठ में जाती हूँ, वहां क्या करती हूँ, लोटे को खाली लेकर के जाती हूँ, वहां भरती हूँ, लोटे को खाली लेके जाती हूँ, वहां जाकर के भरती हूँ, और जब लौटती हूँ, लौटने लगती हूँ, उसी समय उस घड़े को वहीं पर ही फिर उल्टा करके खाली करके आती हूँ, अर्थात जाती हूँ, सुनती हूँ, अपने हृदय में लेती हूँ, और जिस समय पुनः वहां से चलती हूँ, जो कान के माध्यम से हृदय में गया था उसको फिर वहीं छोड़ करके खाली लौट आती हूँ। तो मठ की बात को घर में लेकर के आ गया। तो बच्चे ने क्या कहा, बच्चे ने कहा कि क्या महाराज जी ने, चलो महाराज जी से पूछवाता हूँ आपको, उन्होंने कहा था सभी लोग करना, घर में जाओगे जो हो है, छोटा है बड़ा है सबको करनी एकादशी। तब फिर ये कथा सुना करके महाराज जी कहते थे वो जाती थी नित्य प्रति, सुनती थी किंतु पालन नहीं करती थी, लोटे को वहीं खाली कराती थी। तो मैं आशा करता हूँ जो कथा श्रवण कर रहे हैं, आप लोगों में से ऐसी माता, ये ऐसी वाली माता जैसा कोई नहीं होगा, आप लोग ठीक ठीक रूप में सचमुच में जो सुना है
उसको लेकर के हृदय में रखेंगे, पालन करेंगे, इस प्रकार से कहते थे। तो ये एक कहने की पद्धति है। गुरुदेव कह रहे हैं यू आर वेरी फॉर्चुनेट, मैं जानता हूँ तुम अपना वहाँ से भारत में क्यों आए हो, इस उद्देश्य से आए हो। यद्यपि बहुत सारे लोग भारत से हो, विदेशों से हो या भारत से हो, कहीं से भी जब आते हैं साधु संघ में गुरुपाद पद्म के पास में, तब उनका मुख्य उद्देश्य जो है वो तो कहीं और रह जाता है और दूसरी वाली वस्तुएं ऊपर उठाती हैं। इसके लिए गुरुदेव कभी कभी बोलते थे कि भाई सावधान, करने आए हरि भजन को होटन लगे कपास, ऐसे वाली स्थिति नहीं करना, ऐसे वाली स्थिति नहीं करना। व्यवहारिक वस्तुओं में ही केवल उलझ के मत रहना, पारमार्थिक वस्तु जो वह प्रदान कर रहे हैं उसकी तरफ बहुत अधिक गुरुत्व प्रदान करना। तो इसलिए यद्यपि कह रहे हैं यू आर फॉर्चुनेट, मगर साथ साथ में इंगित यही कर रहे हैं कि तुम वास्तविक रूप में हो सौभाग्यवान, आए हो जिस उद्देश्य से उसी उद्देश्य के साथ में रहना, उसका लाभ उठाना सुयोग का। और वस्तुएं तो सब जगह तुम्हारे पास, वहाँ भी कमी नहीं थी, यहाँ पर भी जो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होगा वो कर लेना, किंतु मुख्य वस्तु के साथ में अग्रसर होते रहना। इसी को ही शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने कीर्तन में सरल रूप में क्या बतला दिया कि निज सुख ना, उसमें बताया कि पर उपकारे निज सुख पासरी वे, पर उपकारे निज सुख पासरी वे, इसकी प्रथम पंक्ति में बोलते हैं जीवन निर्वाहे आने उद्वेग न दीवे, जीवन के निर्वाह के लिए किसी को उद्वेग देना नहीं, जिस किसी प्रकार से एडजस्टमेंट के साथ में थोड़ा बहुत इधर उधर करके अपना चलते रहना और मुख्य वस्तु को लक्ष्य बनाना। महाराज जी इसके लिए सरल सा एक और उदाहरण देते थे कि ये जीवन यात्रा कैसी है। एक व्यक्ति मान लीजिए मुंबई में गया, महाराज जी कहते थे, और उसने अपना सारा काम कर लिया, सुबह 5 बजे उसकी फ्लाइट है, 1-2 घंटे के लिए उसको कहीं आराम करना है बीच में, पैसा उसके पास में कम है देने के लिए, इसीलिए किसी जगह पर पहुंचा, उन्होंने कहा भाई हमारे पास में कमरा कोई भी खाली नहीं है, ऊपर केवल एक कमरा है, बहुत अच्छी हालत में तो नहीं है, 1-2 घंटे चाहो तो वहाँ विश्राम कर सकते हो, पैसा इतना देना पड़ेगा और कोई शिकायत तुम नहीं कर सकते, 2 घंटे जो रहोगे उसमें ये कर दो ये दे दो वो नहीं होगा, जो है उसी में जो कर सकते हो कर लो, ठीक है उसी में विश्राम कर लूँगा। विश्राम करने के लिए लेटा बिस्तर पर, उसी समय बाहर बरसात हुई बहुत तेज, छत से पानी टप टप करने लगा और वहीं गिरता है जहां ये सोया है, इसके ऊपर सीधा गिरता है। तो उस समय महाराज जी कहते हैं वो क्या करे, पहले से ही पता शिकायत नीचे कर नहीं सकते, तो क्या वो ऊपर छत के ऊपर जाकर के उस स्थान को कुछ ऐसा करे जिससे कि पानी नीचे ना आए, वो करेगा? वो करेगा नहीं। उसने क्या किया, अपने बिस्तर को केवल थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया जिससे कि पानी उसके बिस्तर पर उसके ऊपर ना गिरे और काम चल जाए। 2 घंटे ही तो रहना है, उसके बाद में क्या है, मेरे को तो फ्लाइट पकड़ करके अपने घर जाना है। उसका जैसे ही समय हुआ, वो अपने पहले तो उसने अपने बिस्तर को इधर उधर कर लिया, जो सोना था थोड़ा सा सो लिया और उसके बाद में अपना उठ करके चल दिया। उसके मन में ये विचार आया नहीं कि मेरे को ऊपर क्या करना है, छत को देखना है, दिन के समय में सीमेंट इत्यादि की व्यवस्था करनी है, मिस्त्री बुलाना पड़ेगा,
ये सब उसके मन में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये स्थान तो मेरा नहीं है, यहां तो मुझे रहना नहीं। इसलिए उसके मन में ऐसा वाला कोई भी भावना नहीं आता। इसी प्रकार से इस जगत में हम लोग सब समय के लिए रहेंगे नहीं, ये किसी का भी परमानेंट स्थान नहीं है। यहाँ पर उस कोई भी ऐसी अवस्था आने पर रहते समय जो थोड़ी सी असुविधाजनक लगती है, उसमें बिस्तर को थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेने से ही काम चल जाता है, और अपना समय आने पर फ्लाइट पकड़ करके अपने प्रस्थान करना पड़ता घर की ओर। इसलिए महाराज जी कहते थे इस जगत में सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो टेम्परेरी हैं। तो इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोग इन सारी बातों को समझोगे और सौभाग्यवान बनोगे, जिससे कि तुम क्या करोगे, जिस सुविधा को, जिस सुयोग को भगवान ने तुम्हारे लिए उपस्थित कर दिया है, वैष्णवों का संग, और उसमें भी श्रेष्ठ वस्तु को लेकर के पालन करके बहुत अधिक लाभवान होकर के यहाँ से अपना चलते चलना, ऐसे वाला करना, ये मैं आशा करता हूँ। तो इसी प्रकार के शब्दों में ही गुरुदेव ये बातें बोल रहे हैं, उसको पुनः श्रवण करते हैं। महाप्रभु ने तुम लोगों को अपने चरणों की ओर आकर्षित किया है। तुम लोग कौन से संप्रदाय के साथ संपर्क युक्त हो गए हो? गौड़िया वैष्णव संप्रदाय। संप्रदाय तो और भी हैं, श्री रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय जो जिसको कहते हैं, श्री संप्रदाय इत्यादि और भी संप्रदाय हैं। वैष्णव संप्रदाय भी हैं, मायावादी लोगों के भी अखाड़े हैं, और निर्विशेषवादी, शून्यवादी, भ्रष्टाचारवादी कितने प्रकार के ही हैं। किंतु तुम लोग सौभाग्यवान कि महाप्रभु ने क्या किया है, अपनी और अपने चरण कमलों की ओर तुम्हें आकर्षित किया है। तो इसलिए महाप्रभु ने तुम्हें अट्रैक्ट किया है, तुम लोग बहुत फॉर्चुनेट हो। दूसरा, सुयोग मिल रहा है शुद्ध वस्तु को श्रवण करने का, ये भी सौभाग्य की बात। और उस पर भी कि जो महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं उसको भी समझने का, यू कैन अंडरस्टैंड दिस टीचिंग, उनमें से भी कुछ शिक्षाएं अंततः उनकी आप समझ पा रहे हो। इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, इस सौभाग्य को व्यर्थ में नहीं जाने देना, इसका पूर्ण रूप में लाभ उठाना, यही मेरी शुभ इच्छा है
इस प्रकार की भावना के साथ में श्रील गुरुदेव ये सारी बात हम लोगों को बोल रहे हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठा और दूसरा महाजनाजेनो गता सपन्था, इस प्रकार का आज उपदेश प्रदान किया। बाकी हम लोग अब कल आगे श्रवण करेंगे, आज यहीं पर ही कथा को विराम देते हैं। हरि वल्लभ प्रभु महामंत्र कर दो। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।